भाई साहब फाइनली भाई 4 बजने वाले अभी जस्ट सब उठे हैं निकलने के लिए। इसी टाइम तक हमें निकलना भी था। नींद आ रही है, आंखें जल रही हैं, तो बस मैं तो गाड़ी में जाकर वापसी पड़ जाऊंगा। मेरे को क्या है, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू 365 ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग हैप्पी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दादी माँ सो रही है तो दादी माँ से मिलकर अभी नहीं जाएंगे, वरना वो फिर उठ जाएंगे, फिर वो बाहर आ जाएंगी। प्रियांशु ने नया बेस्ट फ्रेंड बना लिया। कहाँ काटा तुमने तेरे, ये ना दांत लगा इसका हल्का सा। इतना खाली और मतलब इतनी सुबह मैंने तो कभी हरिद्वार को नहीं देखा। तो ये पूरी पूरी की पूरी लाइन, हाँ रात वाली लग रही है भाई। ये रात वाली तो बहुत ही लंबी थी। कल रात क्या 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन थी सीएनजी के लिए। इनको सीएनजी भरवानी थी और हमको पेट्रोल भरवाना है, बट अब नहीं, अब आगे पेट्रोल पंप पे भरवा लेंगे हम पेट्रोल। ये सीएनजी पास कर रहे हैं लोग तो। ये 7 किलोमीटर से चल रहा है ना पूरा, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर से पूरा ट्रैफिक इस लेन का चल रहा है। इस लेन वाले इधर आ रहे हैं जो हमें हमारी लेन से ही निकाले जा रहे हैं। मेरी भी नींद ऑन एंड ऑफ चली जा रही है बस, और क्या बोलूं। बट अब दिन ऑलमोस्ट हो गया, 5 बज गए हैं। बट अभी बीच में शायद चाय वाय के लिए रुके, पहला ब्रेक अब जाके फाइनली जिसमें हम गाड़ी से निकल रहे हैं, वो भी इसके लिए। क्या बोलते हैं, इनकी गाड़ी में सीएनजी डलवाने के लिए। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। हाँ भाई, भाई साहब मैं सो रहा हूँ तो अपने आप आंखों से पानी निकलने लग रहा है, तो मैं सो ही नहीं पा रहा। सोना है लेकिन। आइए। अच्छा दूसरा आता है ऐसे। अरे यार ऐसे बाउंड्री क्लियर, वो तो कुछ और ही कर रहा है। ये ऐसे कर रहा है, हाथ गलत है, वो ये भेज रहा है वापस। नौकरी मिल गई मेरे को दिल्ली, ज्यादा सस्ता तो पेट्रोल यहाँ पे है। मन तो कर रहा है बहुत तेज, भूख लग रही है, बट अब नॉनस्टॉप खेचम खेच का प्लान है इसलिए। कोई नहीं, ये भी सही प्लान ही है वैसे। सॉरी भाई साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। मैं सब 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मैडम 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 कुछ खाया नहीं, मैं 2 घंटे से कुछ खाया नहीं है। Finally, अभी यहीं आ गए हम। फिर यहाँ से मंशा दीदी को की कॉलेज भी जाना है ना, तो भाई हम 1-1.5 घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से। मंशा दीदी को कॉलेज छोड़ देंगे, मेरे को घर छोड़ देंगे, कि कॉलेज घर के पास ही है। हो गई फिर ट्रिप खत्म। अभी हमारी और ट्रिप है, अभी तो अभी और आगे और जाना है। हाँ चलो भाई, बाय जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी बाय बाय। सेम हियर, 3 दिन हो गए मीट हो रहा है। कुछ तो बोलना होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए, यही बोल दो। हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अरे अरे सेम हियर, माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। बस एक मंशा दीदी के कॉलेज के चक्कर में हमें भाई को तकलीफ देनी पड़ रही है। भाई तो चिल मार रहा है, भाई का क्या, मेरे को घर जाना है। हाँ, ये बोलना तेरे को घर जाना है। मेरे को एमी की याद आ रही है, मेरे को मेनली एमी और ओलू से मिलना है, इसलिए मेरे को घर जाना है। वो उनके कॉलेज के चक्कर में रुके हैं, बस जैसे उनके कॉलेज मतलब उनको कुछ फॉर्म सबमिट करना, जैसे कुछ उनके टीचर वीचर है फिर हम निकले फाइनली, वरना मेरे को यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं। बस ये अगर मैं सो गया फिर मैं सोता रह जाऊंगा बहुत तगड़े वाला, वो भी इसलिए बस ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सो ना। चलो जी, आफ्टर फाइनली इतनी शॉर्ट नैप के बाद, इतना हाना हाना होने के बाद फाइनली अब निकल रहे हैं हम। भाई साहब फाइनली फील्स सो गुड टू बी बैक होम, मजाक शर्ट के। अब बस अपने रूम में जाके अपने बिस्तर पर जाके पड़ जाना है और कुछ नहीं करना है। आज पूरा दिन आराम करेंगे और व्लॉग कम करेंगे, क्योंकि ये 3 दिन हमने बहुत व्लॉग किया, तो आज थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा चलता है। इतना तो आई डिजर्व। रील भी मेरे पे है, मेरे को उसको भी एडिट करना है। एडिट करके सो जाते, देखते हैं। पहले जाके ऊपर एमी से मिलते हैं और कालू से मिलते हैं। कालू एकदम से भागा भागा आएगा हेलीकॉप्टर। और ये सब करने के बाद मैं पहले मतलब इन सब से मिलके मैं नहाऊंगा, ये बहुत इचिंग हो रही है मेरे को बालों में, और वैसे मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। एमी कालू ए आजा आजा, ए ए कालू कैसे बाप लोग। हां 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 एमी वेरी वेरी, कैसी है? ठीक। कैसे इधर तू? अरे इससे तो मिलते रहे हो, उससे मिल लो। अच्छा ट्रीट दो, ट्रीट खा लिए क्या तू? ए नी साडा कमरा, हम भी कल ही आए। मेरे को पता, अभी कल आए हो, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूं। दिखा, आईज क्लोज रहनी चाहिए। ये लो भाई, मेरे को यही मिल पाया, मैंने सोचा आप इसको पेंट करके दे दोगी। एमी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, हमने किसी के लिए कुछ नहीं लिया, मैंने तो स्पेशली आपके लिए लिया, तब भी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, कुछ भी हो गिफ्ट गिफ्ट होता है। लो पकड़ो। अरे पहाड़ों का पाइन है, ऐसे नहीं मिलता। ऊपर देख, नहीं बात करनी। ठीक है भाई, मैं इतनी दूर से आया और एमी को मेरे से बात नहीं करनी, तो एमी और मेरी कट्टी। और भी कुछ जो लाया ना नहीं दूंगा मैं इसको, जो चॉकलेट का एक डब्बा लाया हूँ।
पलटू इसको पहले मेरे को पेंट कर देते फिर मिलेगा चॉकलेट का डब्बा। पहले दो वो नहीं क्या पेंट करो इसे क्या कर देते कौन सा कुछ भी करो गिफ्ट है आपका और चॉकलेट का डब्बा नहीं है मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है अभी चिड़ती रहो फिर ओके चिड़ो एक इतना मतलब गिफ्ट लाया हूँ छोटा आप मेरे लिए कुछ नहीं लाते मैं तब भी कुछ कहता हूँ आपको नहीं ना मैं लाया हूँ तो आपको खुश रहना चाहिए छोटी से गिफ्ट में भी खुश रहना सीखो। अंजू हमेशा कुछ लाते इस बार नहीं ला पाए लेकिन कुछ तो लाए ना खाली हाथ तो नहीं आया ना रखो पकड़ो पकड़ो अच्छा मैं बार बार नहीं बोलूंगा ऐसी गंदी बात होती है नहीं पकड़ो आज का तो मैं आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगा। मैं जस्ट नींद से उठा और बाहर का हाल देख लो भाई साहब तेज बारिश हो रही है इसका देखना बंद नहीं हुआ टीवी इतना मौसम बदल गया सब हो गए हैं टीवी पूरा पूरा देख रही हो। दिल्ली में आज हमारा वेलकम एकदम धूप वाले मौसम से हुआ था बट आहा शाम होते होते वक्त बदल गया जज्बात बदल गए नींद से उठ के जो एकदम ठंडी ठंडी हवा है आ रही है ना इस समय अभी मजा आ गया नहा के मुँह के रेडी दवाई भी लगा ली नहाने में मैंने बहुत डिले कर दिया बट ठीक है नहाना था नहा लिए मजा आ गया। टाइम बाद ये पूरा ऐसी वाली बारिश हुई जिसमें पूरा गार्डन भर गया वो वाला गार्डन पूरा खराब हो गया और ये वाला भी उसमें भर गया और उधर भी भर गया मतलब ये बारिश के लिए तो बहुत टाइम से क्रेव किया था। निकले रेडी हो रहे हो म्यूजिक आपने म्यूजिक बोला अब तो खुश हो या अभी भी दुखी हो अभी भी दुखी हो रहो फिर दुखी मेरे को क्या पता नहीं क्यों बट मेरे को ना पिज्जा की बहुत जोर की क्रेविंग हो रही है भूख भी लग रही तो मैं सोच रहा हूँ सोसाइटी के पास जो नया वाला डोमिनोज खुला हुआ है जो मैं पहली बार जाऊँगा तो वहाँ इतना टाइम से खुला है और मतलब बहुत बड़ा है वो तो वहाँ जाते एक बार ऐसी वहाँ खाते अच्छा लग्जरी सा बना हुआ है वो तो बढ़िया सा डोमिनोज का पिज्जा खा लेते और क्या कालू तुम गीले हो जाओगे अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम हमारा प्यारा ये अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम कालू भाग जाता है डर के कालू तो इस बहाने से हम साइरस बाबू की राइड भी ले लेंगे इतने दिनों से जो नहीं ली है ना और मौसम भी बढ़िया तो वैसे भी राइड हो जाएगी और भूख भी मिट जाएगी। मैंने सोचा दो मिनट बाहर निकलो तो नानी जी से मिल ही लेता हूँ इनसे भी नहीं मिला हेलो जी नानी जी के यहाँ तो 5 मिनट ही बैठे क्योंकि वो कॉल पे थी तो मैंने कहा आके ही मिल लूंगा तो अभी अब निकलते डोमिनोज की तरफ इधर कुछ नया पराठा आया तो वही खाएंगे डोमिनोज पे आके हम पराठा ही खा रहे हैं बताओ परांठा सॉरी पराठा नहीं परांठा वापस करके दिखाओ खाके ओहो गए हो एमी को भी सिखा देना यहाँ ठीक है भाई साहब मैं पहली बार ही देखूंगा ये क्या है ये पराठे के नाम पे कुछ और ही तो नहीं चिपका दिया भाई और मैंने चीज़ कौन ऑर्डर किया था पनीर कहाँ टेस्ट करके बता दो दैट आई रिग्रेट ऑर्डरिंग दिस योर वाइज डिसीजन था ऑर्डर करना भाई ऑर्डर मिस्टेक होगी एक दो पीस नहीं थे पनीर के पूरा पनीर वाला दे दी कौन की जगह बड़ी ऑर्डर मिस्टेक एक दो तीन देर बाद मिला अब जब मिला तो उसमें भी ऑर्डर मिस्टेक कोई ना चिकन जिंगर पार्सल ही खाएंगे थोड़ी देर तक जब तक ये दूसरा बन के आता है। देखो दूसरों का तो पता नहीं मेरे को तो ये चीज़ ठीक ठाक ही लगी ऑन एन एवरेज लाइक ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 में इसको ना 4 रेटिंग दूंगा रीजन बीइंग एक तो मेरा ऑर्डर गलत दिया पहले मेरे को ठीक है दूसरा पराठा अगर प्रॉपर पराठे आटे का होता ना तो मजा आता वो चीज इन सब का खाने में ये मैदे का और खराब वो पराठे वाली फील नहीं मिली था वो क्रंच था बड़ो पराठे वाली फील नहीं थी कि मैदा इतना था तो मतलब मजा नहीं आया बट ठीक है इट वॉज गुड लाइक थोड़ा फीलिंग था मतलब खा के अच्छा तो लगा बट ऑर्डर गलत कर दिया मेरे को वाह डोमिनोज वाह भाई सब ऐसे मौसम में चलाने का मन होता है यार स्कूटी मैं अभी सर्विस लेन में इसलिए व्लॉग कर रहा हूँ वरना आपको ही पता है मैं मतलब सोसाइटी में करता हूँ ऐसे वरना नहीं करता हूँ मैं वरना मोटो व्लॉगिंग करता हूँ बट दिखाने जा रहा है कितना प्यारा मौसम हो रहा है कितना प्यारा लग रहा है स्कूटी चलाते हुए मेरे को अभी दीदी को पड़ने वाली डांट बहुत जोर से मेरे थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ मैंने 5 बार कॉल कर दी कॉल भी नहीं उठा रही है घर पे कालू अकेला घर पे वो है भी नहीं अब मेरे को पक्का पता वो नीचे ही है तो मैंने स्कूटर जैसे चार्जिंग पे लगाया मैं ज़रा देखता हूँ इनको कहाँ पे है ये नीचे भी मैं ऊपर गया भी चेक करने बेल बजा रहा हूँ बार बार नहीं खोला फिर कॉल भी नहीं उठा रही गई साइलेंट पे रखती ना बहुत ही फोन बेटा आते समय पिंक्स का नहीं तो देखना कैसा हो गया ओ माय गॉड वेरी डेंजरस क्या दिक्कत है फोन चेक करना फोन चेक करो अंकल देख रहे अंकल को देखने तो फोन चेक कितनी मिस कॉल है पांच बार मैंने कॉल किया 2 बार इनएक्टिव कॉल गए और 3 बार आई है आपके कॉल चाबी की कॉल की नहीं उठा रही हो ज्यादा दिक्कत दे रही हो मैं देख रहा हूँ दीदी बहुत हो रहा है अंकल को डरने दो अंकल बोले अचानक से क्या हो गया अंकल कह रहे कैसे ये कैसे दिक्कत ले रहा है एक बाइट दे दो एमी एक बाइट कंजूस मेरे बोला है मेरे को मैंने कहा कल ले आऊंगा अब दुकान बंद हो गई होगी हम उस चीज को यूज नहीं करते लेकिन बाकी लोग करते हैं क्या है ये पहली दिमाग हम उस नाम को यूज नहीं करते नाम को पहले सोचो पहली सोचो
कभी कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ही बुला दिया। नहीं क्वेश्चन नहीं बुलाया, आंसर था नेम। क्यों हम क्यों नहीं यूज करते उसे? हम भी यूज करते हैं, हम जब कहीं फॉर्म में लिखना होता है कोई हमसे पूछता है तो हम अपना नाम नहीं। आप मुझसे पूछो व्हाट इज योर नेम, आप मुझसे पूछो व्हाट इज योर नेम, मैं क्या बोलूंगा? चला इसके लिए पहली फेल हो गई, पहली फेल हो गई, पहली फेल हो गई। चल दम चला आज खेल ले एमी। चल एक चीज, एक पहली तू झूठी है, बोलेगी इंग्लिश और बताएगी हिंदी। कौन है मम्मा? ये एमी। ओके तीन वर्ड। ये कौन सी मूवी है? ये कौन सी है? और ये कौन सी है? ये पता नहीं होगी कोई। ये कौन सी है? क्या चाहते हो? दिल चाहता है फिर आखिरी रास्ता। कैसे आखिरी है? बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें आखिरी रास्ता है। चलो जी आज के लोग भी यहीं रैप करते हैं। ओलू और भैया आज साथ में सोएंगे इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल था। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो द वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ। इन कल का व्लॉग आज से देख लेना, बाय। कल से मिलते हैं बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। मम्मा का मम्मा हेलो। अच्छा।